जरा सोच के देखिए कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट होगा, लेकिन आपको ओटीपी तक के लिए नहीं पूछा जाएगा, और ये सारा का सारा काम जो है पलक झपकते हो सकता है। ये आखिर कैसे होता है? ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू बिना ओटीपी के भी पेमेंट डिडक्ट हो जाता है अगर आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन कहीं पे मिल जाए तो ये चीज़ समझना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का यूजेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो जितना तक का क्रेडिट कार्ड में लिमिट है उतना तक का आप शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं और बाद में आप जो है उसको चुका सकते हैं पैसे को। मतलब सीधा सी बात है कि कोई जो उधारी आपको देता है ना कि भाई लो ये काम कर लेना और काम करके हमको पैसा समय पे दे देना, बस वही चीज़ है कि जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी होगी वो आपको क्रेडिट कार्ड देगी और साथ में एक लिमिट भी तय करेगी। लेकिन जब पैसा आता है तो पैसे को चुराने का रास्ता भी लोग अपनाते रहते हैं। लेकिन ये जो बिना ओटीपी वाला जो बात मैं बता रहा हूँ, ये जो है एक लीगल तरीका है। अब थोड़ा आप चौंकेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये लीगल तरीका कैसे है? पहले इस चीज़ को समझ लीजिए और फिर समझिए इसी लीगल तरीके को जो है लोग इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके के पर्पज़ से। होता ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है धीरे धीरे नया नया सिस्टम ईजाद कर रही है और जो पेमेंट कंपनी है खासकर वो क्या करती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल एक बार लेती है, एक बार अगर वेरीफाई कर देती है तो बाद में कहती है कि एकदम पेमेंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए जो है ये सिस्टम लाया जाता है। और मैं ये बात कर रहा हूँ पेपल का। पेपल के बारे में सुने हैं ना? अगर नहीं सुने हैं, डिटेल में जानना है तब तो एक वीडियो है, देख लीजिएगा। और नहीं अगर जानते हैं तो थोड़ा सा मैं हल्का हिंट दे देता हूँ। पेपल एक पेमेंट कंपनी है जो आपको इंटरनेशनल से लेकर के डोमेस्टिक पेमेंट का काम, बीच में पेमेंट गेटवे का काम करती है, राइट? अब सपोज डैट कि आपको कोई पेमेंट करना है और जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन देना है तो हो सकता है वहाँ पे पेपल सपोर्ट भी करता होगा। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कैसे है कि सपोज मैं जो है पेपल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा दोस्त है जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड है और मुझे अभी पेमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उस दोस्त को कहूँगा यार मैं पैसा ऐसे ट्रांसफ़र कर दूँगा लेकिन फ़िलहाल के लिए उस क्रेडिट कार्ड को दो, मुझे इतने पेमेंट को मतलब कि इस्तेमाल करना है और मैं उतना पैसा मैं ATM के थ्रू या दूसरे मेथड के थ्रू अकाउंट में जमा कर दूंगा। वो दोस्त कोई भी होगा वो तो रेडी तो हो ही जाएगा ना, यहाँ पे आप भी रहिएगा तो रेडी हो सकते हैं क्योंकि आपको ओवरऑल पेमेंट तो मिल ही रहा है, राइट? अब क्या होगा कि पेपल के अंदर ये सिस्टम है कि अगर एक बार पहली बार अगर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और ऑटोमेटिक पेमेंट वाला सिस्टम जो है इनेबल अगर कर दिया जाता है तो बाद में जो है कितना भी उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, वो क्रेडिट कार्ड का होल्डर जो है उसको ओटीपी तक नहीं जाएगा, क्योंकि ओटीपी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये पेमेंट कंपनियां क्रेडिट कार्ड के साथ मिलकर के ये सिस्टम को एडॉप्ट कर चुकी है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल जो है फ्रॉड कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि फ्रॉड, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए एक बार आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया, खुद के परमिशन से दिया, लेकिन इसके बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना क्रेडिट, आपकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपसे ओटीपी जब आपके पास आएगा ही नहीं तो फिर ओटीपी मांगेगा कैसे? और ये चीज़ रियल प्रैक्टिकल मैं खुद करके देखा हूँ और ये चीज़ जब मैं देखा कि यार ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूल से भी ऑटोमेटिक पेमेंट वाला सिस्टम पे इनेबल नहीं कराइए। और ये कराइए तो उसी दोस्त के साथ करा सकते हैं जिसको आप फिजिकली जान रहे हैं और जिस पे पूरा 100% ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट की बात है तो इसमें थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अगर छोटा छोटा पेमेंट के बाद जो कहीं हैवी पेमेंट अगर डिटेक्ट हो गया ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आप इस सिस्टम के बारे में आपका जो ओपिनियन होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को जानकारी बढ़ेगी तो उनके साथ कभी फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना कर सके, इस चीज़ से वो बच सकेंगे।